हेलो फ्रेंड्स, टीवीएस के नेक्स्ट पार्ट में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की ये लास्ट वीडियो होगी, जिसमें कि जो भी बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो कवर हो जाएंगे। और ये सिर्फ और सिर्फ उनके लिए हैं जो 15 क्वेश्चंस आते हैं सीटेट में, और 15 के अलावा जो सीडीपी के क्वेश्चंस आते हैं ईवीएस में उनके लिए वो अलग से पढ़ते हैं। और ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे जी, इन्हीं में से ये 15 क्वेश्चंस फंस जाते हैं और आपके 15 नंबर कंप्लीट हो जाते हैं इसी से। तो हम बात करते हैं चूहों के बारे में कि चूहे जो होते हैं उनमें देखने की क्षमता कम होती है, लेकिन जो सूंघने की क्षमता है और छूने और स्वाद वाली जो क्षमता है वो बहुत ही तीव्र होती है। चूहे देखने में थोड़ा सा गलती करते हैं, लेकिन जो सूंघ सकते हैं और छू सकते हैं और स्वाद से वो बहुत ही तीव्र होती है, जिससे वो बच जाते हैं, अपने आप को बचा कर रखते हैं। तो गांधी जी की जो 150वीं वर्षगांठ है उसके लिए एक अभियान चलाया गया था सफाई के लिए, उसका नाम था स्वच्छ भारत अभियान, जो कि प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा स्टार्ट किया गया था पूरे देश की सफाई के लिए, जिससे कि कचरा वगैरह इकट्ठा ना हो देश के अंदर और देश की तरक्की अधिक से अधिक हो सके। बात करें पेड़ पौधों की, तो जो पेड़ पौधे होते हैं उनको जो ज़्यादातर पानी होता है वो बारिश से मिलता है, क्योंकि हर कोई पानी नहीं देता है, क्योंकि जो अपने घर में पानी लगाएगा, जो अपने घर में पेड़ पौधे लगाएगा उन्हें पानी दे सकता है, लेकिन जो बाहर उग रहे हैं उनको डेली पानी नहीं दे सकता। तो जो पेड़ पौधों की अगर बात करें तो अधिकतर पानी उन्हें बारिश से ही मिलता है। बात करें ये लीचेन है, लीचेन ने हांगकांग के बारे में बताया है कि जो लीचेन है वो हांगकांग में रहती है और इनको सांप खाना बहुत पसंद है, यानी कि हांगकांग में सांप बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है खाने के लिए। और जब भी इन लोगों की सांप खाने की इच्छा होती है तो ये पास का एक होटल है उसमें लिंग हू फेन जो है वो एक सांप की डिश है लिंग हू फेन के नाम से, तो इस डिश को वो खा लेते हैं। बात करें जूनी की, तो ये जूनी जो है ये कश्मीर में रहती है और इन्हें सरसों के तेल में जो मनी मछली होती है, यानी कि कश्मीर में सरसों के तेल की बनी मछली बहुत ही खाई जाती है, वहाँ की एक डिश है। जब ये एक बार गोवा में गए तो वहाँ भी इन्होंने मछली खाई, लेकिन स्वाद पसंद नहीं आया, क्योंकि स्वाद जो था सरसों के तेल की मछली का वो अलग होता है, और जो गोवा में बनती है वो बनती है नारियल के तेल में बनी समुंदर की मछली होती है, तो स्वाद अलग ही होगा क्योंकि वो समुद्र की मछली है और नारियल के तेल में बनी है, और ये लोग जो कश्मीर में खाते हैं वो खाते हैं सरसों के तेल की मछली। बात करें थॉमस की, थॉमस ने केरल के बारे में बताया कि मैं केरल में रहता हूँ और इन्हें दो चीज़ें बहुत ही अच्छी लगती हैं और ये इसके आंगन में उगती हैं, पहला तो ऊपर ऊंचे पेड़ पर यानी कि नारियल और दूसरी जमीन के नीचे टैपियोका। तो इन्हें नारियल से डली हुई जो नारियल डली हुई कड़ी होती है, कड़ी के साथ उबला हुआ टैपियोका खाना बहुत ही पसंद है इन लोगों को। तो जो टैपियोका है वो केरल में मिलता है, नारियल भी केरल में ही मोस्टली पाए जाते हैं क्योंकि वहाँ पे पास में समुद्र है। बात करें ब्रेल लिपि की, तो जो ब्रेल लिपि है वो लुई ब्रेल ने स्टार्ट की थी। लुई ब्रेल फ्रांस में रहते थे, जब वो 3 साल के थे तो उनके पिता के औजारों से खेल रहे थे तो कोई नुकीली चीज उनकी आंख में लग गई, जिसकी वजह से उन्हें दिखना बंद हो गया। अब उन्हें पढ़ने में रुचि थी तो उन्होंने बहुत तरीके खोजे, अंत में उन्हें एक तरीका मिला जिसको हम ब्रेल लिपि के बारे में ब्रेल लिपि के नाम से जानते हैं। और ब्रेल लिपि जो है वो छूकर पढ़ने की विधि होती है, इसमें मोटे कागज पे जो उभरे हुए बिंदु बने रहते हैं उससे ये लोग पढ़ते हैं और इन्हीं उभरे हुए होते हैं उन्हें छूते हैं और छूकर इन्हें पढ़ लेते हैं। ब्रेल लिपि के अक्षरों की बात करें तो ये 6 बिंदुओं से बने होते हैं और ब्रेल लिपि आजकल कंप्यूटर के द्वारा भी लिखी जा सकती है। तो ब्रेल लिपि में 6 बिंदु होते हैं और ये छूकर पढ़ी जाती है और इसमें मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। बहुत समय पहले की अगर बात करें तो उस वक्त ऐसा रहा होगा कि लोगों को बर्तन बनाने की पता ही नहीं होगा कि बर्तन क्या क्या होता है, कैसे बनता है, लेकिन जब उन्हें खाने पीने की चीज़ों को पकाने और सामान रखने के लिए बर्तन की ज़रूरत पड़ी होगी, फिर उन्होंने बहुत ही ज़्यादा कोशिश की होगी और दिमाग लगाया होगा तो उन्होंने बर्तन बनाना सीख लिया। लेकिन जो शुरू में ये बर्तन थे वो पत्थर और मिट्टी के ही थे, क्योंकि उस वक्त धातु का ज्ञान नहीं था। फिर इन्होंने पत्थर के बर्तन हाथों से खोद कर और फुरेद कर और मिट्टी के बर्तन गूंथ कर हाथों से बनाए
गए थे, उस वक्त के जो बर्तन थे। फिर लोगों ने ये भी खोजा कि जो मिट्टी के बर्तन को मजबूत बनाने के लिए उन्हें आग में पकाना चाहिए। तो आग की खोज जब हो गई, उसके बाद लोगों को बर्तन को मजबूत बनाने में सहायता मिली आग के जरिए। बात करें भूपेन की, तो ये भूपेन एक लड़का है जो कि असम के मोलन गांव से आया था। इसने बताया कि वहां पर बहुत ही अधिक बारिश होती है, तो जो इनके घर होते हैं वो जमीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं और मजबूत बांस के खम्भों पर इन घर को बनाया जाता है। और ये जो घर के अंदर है, लकड़ी के ही बने होते हैं पूरा घर। तो इसने ये बताया कि जो 10 से 12 फुट का ऊंचे होते हैं, बांस पे बनाए जाते हैं और बांस के खम्भे ही यूज किए जाते हैं घर को बनाने के लिए, और अंदर से भी लकड़ी के ही होते हैं घर। ये चमेली है जो कि मनाली से आई थी, और ये मनाली जो है वो एक पहाड़ी इलाका है। यहाँ पे बारिश बहुत होती है और बर्फ भी पड़ती है, इसलिए ठंड ज्यादा होती है। तो ये धूप में बैठना अच्छा लगता है। और जो इनके मकान होते हैं वो पत्थर के बने होते हैं या लकड़ी से बनते हैं। तो मनाली में जो घर बनते हैं वो पत्थर या लकड़ी से बनते हैं। ये काशीराम है, काशीराम जिस गांव से आया है उसका नाम है राजस्थान के गांव, यानी कि वो राजस्थान के किसी एक गांव से आया है। और यहाँ पे बारिश बहुत ही कम होती है जिससे वहाँ पे गर्मी अधिक पड़ती है। तो ये जो लोग होते हैं वो मिट्टी के घरों में रहते हैं, और घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं और इन दीवारों को मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाते हैं। और इनकी जो छतें छतें होती हैं वो कटीली झाड़ियों से बनी होती है, क्योंकि झाड़ियाँ इन्हें बहुत ही आसानी से प्राप्त हो जाती हैं। बात करें प्रीवियस ईयर सीटेट के क्वेश्चंस की, तो सीटेट के क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आया था मेल मिलाने का कॉलम वन को कॉलम टू से। पहले कॉलम में शहर और राज्य दिए हुए थे और दूसरे कॉलम में अत्यधिक पसंद का भोजन दिया हुआ था। तो इसमें पहला ऑप्शन था कि हांगकांग जो है, हांगकांग में कौन सा पसंद का भोजन है। तो हांगकांग में तो सबको पता है कि वहाँ सांप खाने के ज्यादा शौकीन होते हैं, और वो जब उन्हें सांप खाने के तो वो रेस्टोरेंट में जाके लिंग हू फेन, जो सांप की एक डिश है, सांप से बनाई जाती है, वो खाते थे। केरल की हम बात करें तो केरल जो है वहां पर किसी भी कड़ी के साथ उन्हें टेपियोका पसंद है, तो ये लोग टेपियोका खाते हैं जो कि जमीन के नीचे उगता है। बात करें कश्मीर की, तो कश्मीर में इन्हें सरसों के तेल में बनी मछली पसंद थी। अब बात करें गोवा की, तो जो गोवा है वहां पे नारियल के तेल में बनी समुंदर की मछली होती है। तो जो कश्मीर की लड़की थी उसने ये कहानी बताई थी कि वो सरसों के तेल में बनी मछली खाती थी, लेकिन एक बार जब वो गोवा गई तो वहां पे उसे दूसरी टाइप की मछली मिली जो कि उसका स्वाद अलग था, क्योंकि वहां पे जो बनती है मछली वो नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली थी। तो ये चार ऑप्शंस थे और इन्हीं से ये ऑप्शन नंबर वन के साथ चले जाते हैं कि जो हांगकांग है वहां पकाया हुआ सांप, केरल में किसी भी कड़ी के साथ टेपियोका, कश्मीर में सरसों के तेल की बनी मछली, और गोवा में नारियल के तेल में बनी समुंदर की मछली। आगे बात करते हैं कि क्वेश्चन था कि नारियल डली हुई जो किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका पसंद है, वो किस क्षेत्र के लोग खाते हैं। तो अभी हमने बात की कि जो टेपियोका है वो केरल में पसंद किया जाता है, जबकि नारियल जो है वो नारियल केरल में आराम से मिल जाता है और टेपियोका जमीन के नीचे उगाते हैं। तो वो जब नारियल डली हुई कड़ी बनती है तो उसके साथ वो खाते हैं टेपियोका। एक क्वेश्चन है कि किस राज्य में कसावा, यानी कि टेपियोका को एक नाम कसावा भी है, ये कहाँ उगाया जाता है। तो हम बात करते हैं केरल की, तो केरल में ही टेपियोका उगाया जाता है। एक क्वेश्चन है 80 नंबर, ग्रामीण क्षेत्र में के मकानों के ढांचे वहां की जलवायु की स्थिति से संबंधित होते हैं। ये सही बात है कि जैसी जलवायु होगी उसी के अनुसार लोग घर बनाते हैं। तो इन्होंने गांव के कुछ लक्षण दिए मकान के, कि मकान मजबूत बांस के खम्भों पर बने होते हैं, अंदर से भी मकान लकड़ी का ही होता है, जमीन से लगभग 3 मीटर से 3.5 मीटर ऊंचाई होता है, और मकान की छतें जो है ढालू होती हैं। तो ये इसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वहां पे बहुत ज्यादा बारिश होती है, जिसकी वजह से वो बांस के खम्भे पर बनाते हैं और मकान लकड़ी का बनाते हैं, और जमीन से 3 मीटर से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बने होते हैं, जिससे कि जमीन के जो घर के अंदर पानी ना भरे। तो अगर यदि गांव में भारी वर्षा होती है तो यह गांव किस राज्य में होना चाहिए। तो हम ऑप्शन के अनुसार अगर जाएं तो उत्तर प्रदेश में इतनी अधिक बारिश नहीं होती है, राजस्थान में तो बिल्कुल बारिश नहीं होती है, और बिहार में भी बारिश होती है नॉर्मल जिस हिसाब से होनी चाहिए, लेकिन जो असम है ये एक
पूर्वी राज्य है, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा बारिश होती है क्योंकि यहाँ पे आसपास पहाड़ बहुत अधिक है। तो यहाँ पर इस अगर बारिश की बात की जाए, भारी बारिश की दृष्टि से, तो असम ही या इसका आंसर हो जाता है, और ये असम के घरों की जो मकान है उनके ही लक्षण है। बात करें कहवा की, तो कहवा एक विशेष प्रकार का चाय या पेय पदार्थ होता है, और ये किस राज्य में लोकप्रिय? कहवा की अगर बात करें तो जो कहवा है वो कश्मीर में सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 होगा जो कि कश्मीर है। एक क्वेश्चन है कि 78, ये भी प्रीवियस ईयर है, इसमें पूछा गया था कि किसी क्षेत्र में गांव के लोग जो है अपने घर की जो मोटी दीवार होती है क्यों बनाते हैं, और इन दीवारों को मिट्टी से लीपते पोतते भी हैं, और इन घरों की जो छतें हैं उनको कटीली झाड़ियों से बनाते हैं, तो इस क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होती है और या गर्मी खूब पड़ती है, यह क्षेत्र किस राज्य में होना चाहिए? अगर बात करें झारखंड की, तो झारखंड में इतनी अधिक गर्मी और सर्दी दोनों बराबर सी होती है, तो यहाँ का कोई लक्षण नहीं है ये। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में बारिश भी होती है, सूखा नहीं पड़ता है, और इस तरीके से इतनी गर्मी भी नहीं पड़ती है और बहुत कम बारिश भी नहीं होती है। बिहार में भी ऐसा ही है, जो कि उत्तर प्रदेश के जैसे ही लक्षण मिलते हैं। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान एक रेगिस्तान इलाका भी है, तो यहाँ पर बहुत कम बारिश होती है, जिसकी वजह से लोग दीवारों की मोटी परत होती है उस पर लीपते पोतते हैं, और फिर इन जो छतें होती हैं इनकी वो कंटीली झाड़ियों से बनाते हैं, तो जिससे ये गर्मी से बच पाए। तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।